तो सर कैसी लगी आपको सूरमा? हाँ, सूरमा नाम की तरह एकदम सूरमा फिल्म है। मैं चाहूँगा कि जो लोग ये देख रहे हैं उन सबको ये फिल्म जाकर के ज़रूर देखनी चाहिए। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि फिल्म में जैसे हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल होता है, तो वो स्ट्रगल से किस तरह से आप ऊपर आ सकते हैं वो इस फिल्म में दिखाया गया। मुझे लगता है लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छा, कलाकारों के अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो किस तरीके का काम किया है सब ने? मेरे ख्याल से संदीप सिंह जो बने हैं दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने उस रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की। तापसी पन्नू भी बहुत अच्छी लग रही। कुलभूषण खरबंदा और विजय राज की जो एक अलग तरह की कह सकते हैं अनोखापन है उनकी एक्टिंग में, और विजय राज जिस तरह के रोल के लिए जाने जाते हैं वो मशहूर है। मुझे लगता है लोगों को बहुत अच्छी फिल्म है और एक अरसे के बाद ऐसी फिल्म देखने को मिली और पूरे परिवार के साथ लोगों को ये फिल्म देखनी। अंगद बेदी कैसे लगे? अंगद बेदी जो बड़े अंगद बेदी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा रोल है उनका कि किस तरह एक संदीप सिंह जब लाइफ में मायूस हो जाते हैं तो किस तरह उनके भाई ने उनकी हेल्प की है, उसे वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। अच्छा सर, क्या आप इस फिल्म को औरों को रिकमेंड करेंगे? मैं बिल्कुल चाहूँगा कि न सिर्फ आप अकेले देखिए बल्कि आप अपने पूरे परिवार करके, खास करके अपने घर में अगर कोई बच्चे हैं तो उन्हें ये फिल्म ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ही कैसे फेलियर से ओवरकम किया जा सकता है उसे दिखाते हैं। मुझे लगता है लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार दूंगा और लोगों से अपील भी करूँगा कि लोग जाकर के ये फिल्म ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, और जहाँ तक डायरेक्टर की बात करूँ तो शाद अली की ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जी। मैं तो यही कैटेगरी देना चाहूँगी। अभी तक उन्होंने सिर्फ रोमांटिक और सिंपल सी फिल्में बनाई, ये कुछ बहुत अलग सी है। और उन्होंने उसे जो संदीप सिंह का जो कैरेक्टर है जी, उसको लार्जर देन लाइफ जबरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं की, उसे बहुत नॉर्मल और सहज तरीके से दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत खूबसूरत बन पड़ा है। क्या दिलजीत ने दिल जीता? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100%। ऐसा लगता है जैसे कि ये जो कैरेक्टर है ये दिलजीत से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं निभा पाता जी। साथ ही अंगद बेदी जो उनके बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया जी। सबसे बढ़िया बात ये थी कि पाकिस्तानी प्लेयर के रूप में जो विक्रम जी हैं, उनके जो बड़े भाई हैं संदीप सिंह के, वो एक छोटे से रोल में उनको लिया और उन्होंने पूरी फिल्म में जो हॉकी को डिज़ाइन किया है पूरी फिल्म को, बहुत ही बेहतरीन थी। इसके साथ तापसी पन्नू, जहाँ तक उसका सवाल है, उसने बहुत चौंकाया, वो अक्सर चौंकाती हैं, अच्छा कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने। ओवरऑल एडिटिंग अच्छी थी, सॉन्ग अच्छे थे, एक गाना थोड़ा सा खटक रहा था जो। हाउ मेनी स्टार वुड यू लाइक टू गिव आउट ऑफ 5? 3.5 से 4 के बीच में कहीं। थैंक यू। क्या आप इस फिल्म को औरों को रिकमेंड करेंगी? बिल्कुल, हमें ये रिकमेंड करूंगी और बल्कि ये बोलूंगी कि भारत में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, हॉकी भी है, और सचिन तेंदुलकर या गावस्कर ही नहीं, संदीप सिंह भी है। थैंक यू सो मच। अच्छे से इंस्पायरिंग है, मेहनत दिख रही है दोनों की, मतलब जरूरी नहीं है कि पिक्चर में कोई बड़े स्टार हो तो ही फिल्म हिट हो सकती है। छोटे स्टार भी अच्छी फिल्म कर सकते हैं, अच्छी हिट फिल्म दे सकते हैं, ये लोग साबित कर। फिल्म की कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी कहानी, इंस्पायरिंग है। 15-20 दिन तक तो बहुत जोश रहता है ऐसे फिल्में देखने के बाद। एक्टर में तो दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी जी। मतलब तापसी पन्नू को ऐसी फिल्में कर चुकी है पहले भी, लेकिन दलजीत के लिए फर्स्ट था ऐसे, तो उसने भी। और खास पर भी सरदार जी थे ना, तो वो सरदार जी दोनों थे तो अच्छा हो गया और पिक्चर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? 3.5। क्या आप इस फिल्म को औरों को रिकमेंड करेंगे? ऑफकोर्स, खासतौर पर जो मोटे हैं उन लोगों को तो बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी फिल्म आपको? अच्छी थी बट नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और एक्टिंग कैसी लगी दिलजीत दोसांझ की? और एक्टिंग सबकी परफॉर्मेंस वाइज द फिल्म वाज प्रीटी गुड, मोमेंट्स बहुत काफी अच्छे थे, डायलॉग्स काफी, विजय राज के डायलॉग लाइक अमेजिंग, सब थे हंसी और तालियां मारी बट फिल्म मतलब देखा जाए तो ओवरऑल काफी एवरेज थी। स्टोरी टेलिंग वाज द आई थिंक मतलब जो कमी थी फिल्म में। अच्छा, ऑडियंस को सजेस्ट करेंगे आप ये फिल्म? हाँ, देख सकते हैं, वन टाइम वॉच है बट अगर वेट कर सकते हो। ओके, आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग? ओके, थैंक यू सो मच। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, स्टार्ट थोड़ा सा स्लो लगा बट फिर कैचअप करती गई और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ये बताइए, दिलजीत दोसांझ की जो एक्टिंग है वो कैसी लगी आपको? बेसिकली दिलजीत ने
रोंटे खड़े कर दिए, मतलब उन्होंने हार्ट टच कर दिया, एक्चुअली दिल जीत लिया, आपका दिल जीत लिया जी बिल्कुल। ओके, कई अलग अलग बायोपिक्स आई हैं, उनके मुकाबले ये बायोपिक कैसी है? मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहूँगी इस बायोपिक को, हर बायोपिक अलग होती है, हर किसी की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है, ये भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, ज़रूर लोगों को मोटिवेट ज़रूर करेगी, स्ट्रगल से अपने कैसे जीतना वो सिखाएगी। आपने कहा इंस्पायरिंग फिल्म है, आप कुछ इंस्पायर्ड लग रही हैं, कुछ बताना चाहेंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगी, क्या आपने मैसेज लिया फिल्म से? कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी जी, पर आगे बढ़ते जाना है, और अगर स्टॉप कर गए तो स्टॉप है, फुल स्टॉप है, बट कॉमा से आगे बढ़ सकते हैं, फुल स्टॉप। ओके, क्योंकि हॉकी पर बेस्ड ये फिल्म है, ये बताइए हॉकी का जो सिनेरियो था फिल्म के अंदर वो कैसा था, टेक्नैलिटीज पर कितना ध्यान दिया गया, ऑन द फील्ड जो चीज़ें है, ड्रामा है, वो कैसी थी? टेक्निकली तो आई डोंट नो हॉकी कैसे खेलते हैं, बट हाँ एज अ ऑडियंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो सीन चल रहा था तो मन कर रहा था वो शूटिंग करने का इंडिया के लिए। मतलब एक तरह से हॉकी का मैच देख लिया आपने जी। ओके, ये बताइए कितने स्टार देंगे 5 में से फिल्म को? 3.5। इतनी कंजूसी क्यों? चीजें बेटर हो सकती थी पर जी, मोटिवेशन तो था 3.5। कुछ रिकमेंडेशन फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए? आप फिल्म देखिए, आप मोटिवेट भी होंगे और दिलजीत आपका दिल जीतेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।